गोंदिया में हर साल गौशाला वार्ड से जगन्नाथ मंदिर सेवा संस्था तक जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल भी इस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस समय हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। इस समय उड़ीसा के कलाकारों ने मधुर स्वर में आतिशबाजी की तथा कार्यक्रम के आयोजक सचिव मुकेश नायक, राकेश कुमार, राजेश खांडेकर, जितेंद्र राणा, कुलदीप निखिल नायक, विकास तुषार, अनूपदीप, सोमनाथ सागर, उपेंद्रदीप, अमन कुमार, अखिल नायक, सूरज कुमार रॉकी नायक, खमेंद्र दीप, सत्यम सोनवणे, भुवन सोनवणे व अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों ने इस रथ यात्रा का आयोजन किया। वीकेबी न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। जगन्नाथ स्वामी जी की ये बलभद्र भगवान और माता सुभद्रा के साथ जुलाई महीने में होता है इनका, और ये रथ यात्रा काफ़ी वर्षों से पुरानी है जगन्नाथपुरी की, लेकिन हमारे नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति गौशाला वार्ड गोंदिया में 4 साल हो गए मंदिर स्थापित होके। यह मंदिर मात्र 16 महीने में स्थापित हुई और यह मंदिर से प्रतिवर्ष जगन्नाथ मंदिर के माध्यम से रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना काल के चलते में पिछले 2 साल से यह आयोजन नहीं किया गया था। इसलिए 2 साल की जो क्षति हुई भक्तजनों में, उसकी खुशी मनाने का इजहार करने के लिए जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति ने काफ़ी हर्षोल्लास से तैयारियां की और हजारों लोगों ने उसमें सहयोगी हुए, हजारों लोगों ने सहभागी बने और इसका भरपूर आनंद लिया। आनंद के लिए जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति ने उड़ीसा से सीनापाली वहाँ से 70 लोगों की टीम बुलाई थी हरि कीर्तन की, गोड्डा करके उड़ीसा से उन्होंने 40 लोगों का उड़िया बाजा बुलाया था, और यहाँ से गोंदिया से एक बैंड किए थे न्यू इंडिया वाले ने। इस प्रकार से तीनों बैंड बाजा गाजा के साथ हजारों भक्तजनों के साथ यह रथ यात्रा का आयोजन किया गया और काफ़ी लोगों ने इसका आनंद लिया, और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा बड़ा बड़ा आयोजन हम लोग करते रहेंगे और आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, और आगे भी हम लोग जिस प्रकार से कार्यक्रम करेंगे काफ़ी भव्य करने की सोच रहे हैं, और इसमें पूरा जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति व न्यू उत्कल घसिया समाज काफ़ी हर्षोल्लास से मेहनत करता है और कार्य करते रहता है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और यह कार्यक्रम आज पूरा नगर भ्रमण करके आज वापिस मौसी घर, यहाँ पे हमारे मौसी घर नहीं होने के कारण वापस हम लोग घुमा के मंदिर समिति में लाते हैं, और ठीक 9 तारीख को मौसी घर से रथ वापसी होती है, तो वो रथ वापसी होगी 9 तारीख को, फिर पूरे नगर का भ्रमण करेंगे और प्रभु आएंगे मंदिर में, और 10 तारीख को उनका सुनाभेश होता है, हवन होता है, और उसके बाद फिर से वो गर्भगृह में जाके यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से समाप्त होता है। जगन्नाथ, और मैं कहना चाहूँगा जगन्नाथ के भक्त। Love you, दीपिका। Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।